हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी कपल इन विदेश। तो आज संडे है, तो फ्रेंड्स आज हम जा रहे हैं बारबेक्यू करने अपने फ्रेंड्स के घर पे, हम दोनों। और वहाँ पर हमारा 6 लोगों का ग्रुप है, तो हम लोग वहाँ बहुत एंजॉय करने वाले हैं। तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर हम कैसे अपने अपार्टमेंट्स के पीछे बैकयार्ड में कैसे अपना सेटअप करते हैं पूरा। और ये आ गए हैं तैयार। अब हम जा रहे हैं बारबेक्यू करने, तो हम मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। सो गाइज, हम यहाँ कुछ शॉप करने आए हैं, कोक्स एंड सम कैप्सिकम्स फॉर द बारबेक्यू। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से स्टोर्स होते हैं। यहाँ पर सब कुछ A to Z सब कुछ होता है। गाइज यहाँ पर ड्रिजलिंग हो रही है, मतलब प्रॉपर बारिश नहीं हो रही, हल्की फुल्की सी हो रही है। और हमें नहीं पता अब हम बारबेक्यू कैसे करेंगे, लेट्स सी। बट We are on our way. देखते हैं क्या होता है। बारिश में कौन सा बारबेक्यू होता है भव्य जैन, बताना चाहेंगे आप? हम करेंगे नया बारबेक्यू पानी के साथ, ठंडी और कच्ची कैप्सिकम खाना फिर उसके अंदर। ये पेट पे मत डाल दियो हमारे ये लोगों। तो देख सकते हैं ये है वो डिस्को बर्मिंगम में, अभी तक मैंने यही देखा है बर्मिंगम सिटी सेंटर में। और काफी अच्छा है ये अंदर से, मैं इसकी भी वीडियोस डालूंगी। हम इसके एक बार हम यहाँ जा चुके हैं, तो मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगी अंदर की भी। और बस वो वाली बिल्डिंग हमारे फ्रेंड्स की है, तो अब बस हम जाते हैं। और बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, और देखते हैं उन्होंने कैसे प्रिपेयर करा है। अब यहाँ का टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन ही होगा, मतलब धूप तो दिखती ही नहीं है, सिर्फ पूरा टाइम क्लाउडी रहता है ऐसा। और हल्की फुल्की ऐसी डेली ड्रिजलिंग होती है, बारिश होती है। बारिश इतनी तेज़ मैंने होते हुए यहाँ एक बार भी नहीं देखी, बस ड्रिजलिंग। और विंड की वजह से काफ़ी ठंड हो जाती है। तो देखते हैं आगे आने वाला टेम्परेचर कैसा होगा, क्योंकि इंडिया से तो बिल्कुल डिफरेंट है। अपने खून वाला खुद ही खाना है, अपना ही तो खून है। बच्चों ने पीते नहीं थे जो कट जाता था। और यहाँ पर सब कुछ रेडी हो गया है बारबेक्यू के लिए। आप देख सकते हैं पनीर है, ये पाइनएप्पल है। और ये बारबेक्यू हमें यूके के किसी भी जनरल स्टोर से मिल जाता है, सिर्फ 2.5 pounds का है। इसमें हम अपने पनीर और वो पाइनएप्पल और सब कुछ अच्छे से ग्रिल कर लेंगे। तो अभी हम इसमें रखेंगे, आप देखिएगा। अभी इसको पूरा पहले जलने देंगे, इसके अंदर ही कोयला होता है, देन उसमें वो हीट रहती है पूरे 1 hour तक। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पर, तो इसको हम कैसे भी कहीं भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और ये यहाँ पर हमारा ग्रिल होना स्टार्ट हो गया है, देखते हैं कैसे बनते हैं। दिखने में तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, ये पनीर हो रहा है। और बहुत ही अच्छे बारबेक्यू के बाद यहाँ पर चल रहा है हमारा नेटफ्लिक्स। हम दोनों हैं और एक हमारी फ्रेंड भी है, ये वर्णिता है, बहुत चाय है। तो बारबेक्यू के बाद और मूवी के बाद हम लोग घर आ चुके हैं, और अब मैं बहुत टायर्ड हूँ, मैं तो सोऊंगी, बट भव्य अपना ऑफिस का काम करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।